वेलकम टू माँ का खाना। आज हम बनाएंगे हरे चौली की भाजी। ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है और हेल्दी भी होता है। इस तरह से आप बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। चलिए बना लेते हैं हरे पत्ते की चौली। चलिए बना लेते हैं हम हरे पत्ते चौली की भाजी। उसके लिए हमने एक गुंडी चौली धुलकर अच्छी तरह से हमने काट लिया है। इसे पत्ता तोड़कर दो तीन बार हमने इसे धुल लिया है। एक प्याज काट लिया है और चार लहसुन हमने लिया है कलियाँ, और चार मिर्च लिया है। एक हम लहसुन काट के छौंक लगाएंगे, बाकी तीन लहसुन और ये मिर्च हम पीस लेंगे दरदरा। तेल गर्म हो चुका है, हम ये कटे हुए लहसुन इसमें डाल देंगे। प्याज भी हम इसमें डाल देंगे। लहसुन और मिर्च हमने दरदरा पीस लिया है, अब इसे हम भाजी में डालेंगे। प्याज लाल हो चुका है, अब हम मिर्च डाल देंगे और ये लहसुन पीसा हुआ। इसे हल्का सा हम कुछ सेकंड के लिए गरम करेंगे। अब हम इसमें हरी वाली साग डाल देंगे। इस तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे। अब हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, अपने टेस्ट के हिसाब से हम डाल सकते हैं। अभी से हम मिला लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसे हम गैस स्लो कर हम ढक देंगे, थोड़ा सा पानी छूटेगा और अच्छी तरह से साग गल जाएगा। भाजी देख लेते हैं हम, थोड़ा और हम रखेंगे स्लो करके अच्छी तरह से गलने के लिए। अभी गला नहीं है भाजी, थोड़ा और स्लो करके हम रख देते हैं ढक। देख लेती हूँ भाजी, अब गल चुका है भाजी। अब हम इसे गैस फास्ट करके पूरी अच्छी तरह से सुखा लेंगे। थोड़ा कुछ मिनट के लिए हम ढक के रखेंगे पानी सूखने के लिए, एक मिनट के लिए। भाजी बन चुका है, अब हम गैस बंद कर देते हैं और बाउल में निकाल लेते हैं। सब्जी बंद कर देते हैं गैस। हरे चौली की भाजी बनके तैयार है गर्मा गर्म। इस तरह से आप बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।